विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, चूंकि जब ये पूरा कांड हुआ था तो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जाता है, सरकार भी, प्रशासन भी, पुलिस भी, न्यायपालिका भी, दिल्ली में हुआ, राजधानी में हुआ, देश की राजधानी में हो गया, सात साल बाद, सवा सात साल बाद इंसाफ मिला है। पहले तो रिएक्शन लीजिए, दिल्ली सरकार में मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम। बिल्कुल पूजा, हमारे साथ दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। लाइव बातचीत हम अपने दर्शकों को यह सुनवा रहे हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बड़ा दिन आज पूरे देश के लिए, निर्भया के माता पिता के लिए और खासकर देश की महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे जिस तरीके के अपराध ये बढ़ रहे हैं, जो निर्भया के साथ हुआ वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा घिनौना था और दर्द पैदा करने वाला था। उस घटना से पूरे देश के लोगों की रूह कांप गई थी और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सब लोग न्याय की लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो आज निर्भया को, क्या इस देश की सभी बेटियों को, माताओं को, बहनों को, सबको न्याय मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के अपराध करते हैं उनको इस आज की इस फांसी की फांसी हो जाने से उनमें भी डर पैदा होगा और इस तरह के अपराध, मैं समझता हूँ, देश में रुकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। घरों में पेरेंट्स को, माताओं को, बहनों को, अपने भाइयों को और बच्चों को बताना पड़ेगा कि बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, और सबको जिस तरह वो अपनी माँ को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जिस तरह अपनी बहन बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जिस तरह वो अपनी बहन के साथ अपराध होता नहीं देख सकते, तो किसी और के साथ भी किसी को इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। मानवता के खिलाफ अपराध है और इससे हम सभी शर्मसार होते हैं। लेकिन जितना लंबा समय लगा, मैं समझता हूँ कि उसको कम किया जाना चाहिए, आगे से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जजेस की संख्या बढ़े ताकि कोर्ट बनाने में सुविधा हो, और ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को अगर 6 महीने के अंदर ट्रायल कम्प्लीट करके ऐसे लोगों को सजा हो, और अपीलेट जो भी प्रोसीजर है उसमें भी अगर जल्दी से जल्दी कोर्ट डिसाइड करें और जल्दी से जल्दी इस तरह के अपराधियों को सजा मिले, तो मैं समझता हूँ डर पैदा होगा और इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन कोर्ट के साथ साथ घर में भी और स्कूल कॉलेज में भी, समाज में भी, हमें इस तरह की चर्चाओं को बढ़ाना पड़ेगा कि लोग इस बात को समझें, इस गंभीरता को समझें कि इस तरह की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, और लोगों को खुद ये एहसास हो कि वो बचें ऐसी किसी भी अपराध में शामिल होने से, खुद ही उनका दिल उनको कहे कि ये गलत है। तो इसके लिए जो भी मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, समाज के अंदर जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, वो बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आज के फैसले के बाद ऐसे गुनाहगारों के दिल में खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा। अगर ये इंसाफ आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मिल जाता तो ज्यादा असरदार नहीं होता, ज्यादा बड़ी नजीर नहीं बनता समाज के लिए और पूरे देश के लिए? निसंदेह, अगर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो इतने घिनौने जो अपराध होते हैं उसमें चालान फाइल करने का अगर टाइम सीमित हो जाए और 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और उसके साथ साथ ट्रायल 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, तो 8 महीने के अंदर अंदर ऐसे अपराधियों को सजा दी जा सकती है, और जो उनको अपील का अधिकार है हाई कोर्ट में, वहाँ भी अगर तुरंत सुनवाई होकर तुरंत ऐसे लोगों को सजा दे दी जाए, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में अधिकार है, लीगल रेमेडी है, वहाँ भी इसी तरह उनको तुरंत सजा दे दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट में एक बार निर्णय होने के बाद, रिव्यू पिटीशन में तो टाइम लिमिट है लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन की कोई लिमिट नहीं, और राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना के लिए भी कोई लिमिट नहीं है, उसमें भी चाहिए कि एक लिमिट कर दें कि इतने दिन के अंदर अंदर वो अपनी अपील डाल सकते हैं, उसके बाद डाल नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी छोटा किया जा सकेगा और ऐसे अपराधियों को जल्दी सजा दी जा सकेगी, और मैं समझता हूँ डर पैदा होना बहुत ज़रूरी है ऐसे अपराधियों में जो इतने घिनौने अपराध करते हैं। आप महिला विकास मंत्री भी है, तो ऐसे में महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएगी क्या इस फैसले के बाद, आपको ऐसा लगता है, या फिर कानून में आपको लगता है कि बदलाव करने की सख्त जरूरत है? क्योंकि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही शुरू हुआ था। कई सारी लीगल पेचीदगी होती हैं जो आम आदमी को पता नहीं होती हैं, एज एन एडवोकेट मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी
इसको कुछ छोटा किया जा सकता है और डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी जजों की संख्या इतनी कम है और बार बार इस तरह की वो भी दी जाती हैं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बार बार कहता है कि जजों की संख्या कम है, तो मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और इस तरह के फास्ट कोर्ट बनने चाहिए जो घिनौने अपराध हैं, ताकि उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके और इतने घिनौने अपराध करने वाले लोगों को सजा दी जा सके। आप दिल्ली में, आप लोगों की सरकार है दिल्ली में, इस तरीके से किसी बेटी को इंसाफ के लिए 7.5 साल तक का लंबा इंतजार ना करना पड़े, संघर्ष इतना लंबा ना करना पड़े किसी के माता पिता को, उसके लिए सरकार कुछ सोच रही है? क्योंकि सरकार भी, दिल्ली सरकार भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तो कर ही सकती है। नहीं, सरकार तो कर सकती है, बशर्ते कि जजेज अवेलेबल होने चाहिए उतनी मात्रा में। तो अब पहले की तुलना में टाइम कम लग रहा है, चूंकि जजेज कुछ अपॉइंट हुए हैं और इस तरह की कोर्ट्स बनी भी हैं जहां पहले की तुलना में ज़्यादा फास्ट तरीके से केसेस का डिस्पोज ऑफ हो रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में दिल्ली में और ज़्यादा तेज गति से केसेस डिस्पोज ऑफ होंगे, क्योंकि पहले की तुलना में जजेस बढ़े हैं। कुलदीप, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि आप सेकंड स्टेज की, सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र होता है कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, तो क्यों ना ऐसे मापदंड अपनाए जाए, क्यों ना ऐसे नियम बनाए जाए जो कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करें। सरकार तो सीसीटीवी की बात करती है, मार्शल्स की बात करती है, सिक्योरिटी की बात करती है, अगर प्राथमिक तौर पर इन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जाए तो आगे की नौबत ही क्यों आएगी? बिल्कुल, देखिए स्टूडियो में हमारी एंकर है पूजा, उनकी तरफ से आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके मैनिफेस्टो में भी महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो प्राथमिक मुद्दों में से एक है, उस मुद्दे के लिए क्यों नहीं कानून की पेचीदगियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, क्यों नहीं कानून में बदलाव की शुरुआत सरकार की तरफ से की जाती है? नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन का जो टाइम करने वाली बात है, वो तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार ही कर सकती है, उस मैटर को हम नहीं कर पाएंगे। हमारा बस चले तो हम तो कर दें, लेकिन वो चूंकि पूरे इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनके अंदर अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया करने का अधिकार पूरे देश के लिए करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वो सिफारिश केंद्र सरकार से करेंगे कानून में इस तरीके से बदलाव लाने के इस फैसले के बाद? अब ये सिफारिशें पहले भी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि अब सबको अनुभव हो रहा है कि किस तरह की पेचीदगी इस केस में आई है, तो उनको दूर करने का प्रयास तो निसंदेह अब सभी स्तर पे किया जाएगा। इन सारे मामले को देखने के बाद आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि केंद्र से हम यही मांग करेंगे कि क्यूरेटिव पिटीशन का भी फाइल करने का एक टाइम लिमिट कर दिया जाए, जैसे अपील करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने होता है, तो क्यूरेटिव पिटीशन में 1 महीने का टाइम किया जा सकता है कि 1 महीने के अंदर अगर एक बार रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है या डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन डालने का टाइम 1 महीना हो, और उसके बाद ऐसे अपराध में अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है और अपराधी जो कन्विक्ट हुआ है, जिसको सजा हुई है, वो राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना के लिए जाना चाहता है, उसका भी टाइम निर्धारित इसी तरह 15 दिन कर दिया जाए, तो मैं 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए उचित है। मेरा सवाल ये था क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है अगर प्राइमरी स्टेज पर ही प्राथमिकता के तौर पर, अगर कैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर महिलाओं की सुरक्षा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाए, तो ऐसे मामलों की नौबत ही क्यों आएगी, कोर्ट कचहरी की नौबत ही क्यों आएगी? आप महिलाओं को सक्षम बनाइए, उन्हें सुरक्षा दीजिए, सुरक्षित कीजिए, क्योंकि तो प्राथमिकता रही है दिल्ली सरकार की मैनिफेस्टो में भी, उसके लिए सरकार कितनी कटिबद्ध है, क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी घिनौनी वारदातें हो ही ना, उसके लिए सरकार किस तरीके से सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्या कदम उठा रही है, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर लगाम ना लगे लेकिन कम से कम उनका ग्राफ नीचे तो आए, ताकि इस जटिल न्यायिक प्रक्रिया में फंसना ही ना पड़े किसी पीड़ित को? देखिए, हमारी सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है। एक तरफ हम स्कूल लेवल पे बच्चों को एक मॉरल एजुकेशन एक शुरू कर रहे हैं, जहाँ बच्चों में ये एहसास हो, और उनके पेरेंट्स से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी घर में बच्चों को एहसास कराएं कि वो
इस तरह की घटनाओं से बचे, और वो बहन अपनी, अगर वो ऐसा कोई करता है तो उसकी बहन उसको उससे अपने रिश्ते ख़त्म करे, उसके पेरेंट्स उससे अपने रिश्ते ख़त्म करें, ये बात उसको कह दी जाए घर में, ताकि हर बच्चे को कहा जाए, और साथ में स्कूल में मॉरल एजुकेशन में आ जाइए, स्टार्ट कीजिए। चलिए सीधा रुख करते हैं इस समय पूजा राठौर शर्मा, उनके साथ निर्भया के पिताजी हैं। पूजा, सीधा आपके पास आते हुए, बहुत बड़ी बात कही थी आज निर्भया के पिताजी ने, बद्री जी ने, और कहा था कि अगर आपकी महिला के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, जघन्य अपराध होता है, तो चलिए रुक करेंगे, एक बार फिर से राजेंद्र पाल गौतम जी को सुन लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे 1.5 लाख से ज्यादा लग चुके हैं और अभी काम चल रहा है, और मोहल्ला रक्षक, मोहल्ला मार्शल लगाने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार दोनों दिशा में काम कर रही है, एक तरफ स्कूल लेवल पे मोरल एजुकेशन, और दूसरी तरफ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना सकते हैं उसको हम लोग अपना रहे हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर पूजा, दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम दो तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। पहले तो जो मोरल वैल्यू जो देश में लगातार गिर रही है, उस मोरल वैल्यू को दोबारा से जो है उस लाने के लिए सरकार जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर कई कदम उठा रहे हैं, और साथ में मोहल्ला मार्शल जैसे कदम उठाकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश सरकार कर रही है। कुलदीप, एक कड़वी सच्चाई ये है कि दिल्ली में एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि प्रति मिनट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो शोषण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। बहरहाल, निर्भया के पिता ने एक बड़ी बात कही, क्योंकि सरकार के साथ साथ समाज को समझना होगा कुलदीप, परिवार को समझना होगा। निर्भया के पिता ये कह रहे थे कि अगर इस तरह के मामले आपकी आपकी बेटी के साथ होते हैं, आपकी पत्नी के साथ होते हैं, तो आप छुपिए मत, डरिए मत, लोकलाज से मत डरें, सामने आए और निडरता के साथ ऐसी घटनाओं को ऊपर तक ले जाएं। यही सवाल मंत्री जी से। अब बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है, देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने नहीं आते, जो पुलिस तक नहीं पहुंचते, जिनकी जो रिपोर्ट नहीं हो पाते ऐसे मामले, क्योंकि समाज का एक ताना बाना ऐसा होता है कि अगर कोई भी महिला अपने खिलाफ ऐसे अपराध के खिलाफ आवाज उठाती है तो सबसे पहले उसी पर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है समाज। सर, ये समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो भी महिला ऐसे अपराध के खिलाफ आवाज उठाती है, इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाती है, तो सबसे पहले उसी पर जो है शक की नजरें गड़ाई जाती है समाज के जरिए। नहीं, मैं समझता हूँ समाज का जो माइंडसेट अब धीरे धीरे बदल रहा है। पहले तो यहाँ तक था कि उस डर से पुलिस तक पहुँचती नहीं थी, और अगर पुलिस तक पहुँच भी जाए तो पुलिस का रवैया इतना नकारात्मक होता था ऐसी पीड़ित महिलाओं के प्रति कि महिला डर की वजह से और पुलिस की उस प्रताड़ना की वजह से पुलिस के पास नहीं जाती थी। लेकिन अब काफी चीजें बदली हैं और मैं समझता हूँ महिला संगठन, लेकिन आज भी महिलाओं के पहनावे पर, महिलाओं के आने जाने की टाइमिंग पर सवाल उठते रहे। मैं समझता हूँ ये माइंडसेट है कि लोगों की मानसिकता अभी डेवलप नहीं है उतनी, और नेगेटिव भाव उनके दिमाग से अभी भी नहीं निकले हैं, लेकिन पहले की तुलना में सुधार है। कुलदीप, तो समाज में एकदम से मैं समझता हूँ कि वो एकदम इतना जितना बड़ा बदलाव हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं आया, लेकिन बदलाव आ रहा है। लेकिन कुलदीप देखिए ना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के जानकार ही, संविधान के कानून के जानकार ही एपी सिंह जैसे वकील अगर खुलेआम संविधान के ऊपर सवाल उठाते हैं, मीडिया पर सवाल उठाते हैं, जजों पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे संवेदनशील मामलों को कितना खोखला, कितना हल्का बनाते हैं। अब बिल्कुल देखिए, राजेंद्र पाल गौतम ना सिर्फ दिल्ली सरकार में मंत्री है बल्कि पेशे से वकील भी है, और एपी सिंह जो है इन्हीं के पेशे से जुड़े हुए हैं। शायद कुछ हम उनसे सवाल पूछेंगे। एपी सिंह ने देखिए तमाम हदें पार कर दी, कानून में हर वो हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया जिसके जरिए मुझे लग रहा है कि एक बार कानून के सिस्टम, कानून को भी और पूरे सिस्टम को भी शर्मसार होना पड़ा। पेशे को भी साथ में मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने उनके हथकंडों का एक बहुत अच्छा माकूल जवाब दिया है। जो भी उन्होंने इसको टालने की कोशिश की है अलग अलग तरह की पिटीशंस लगा के, कोर्ट ने सेम डे उनको डिस्पोज ऑफ करके पूरे वकील समाज को ये बताया है कि आप जो लीगल रेमेडी तो ठीक है आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो जेन्यून है उसका इस्तेमाल कीजिए, कि इसको केवल टालना मकसद नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वकील कम्युनिटी, एडवोकेट्स कम्युनिटी जो वो एक न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और न्याय दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।